सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अन अकेडमी एमएच बोर्ड स्कॉलर्स। और देखो यार, चैनल बने होंगे तो पहले तो सब्सक्राइब करना है। और दीदी जैसा हर बार बोलती है कि बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, वैसे ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ठीक है। तो चलो यार, आज मैं लेके आई हूँ स्टैंडर्ड 9th का लेसन। स्टैंडर्ड 10th का लेसन एक इंग्लिश का हो गया। देखो, स्टैंडर्ड 10th और 9th का, 9th प्लस 10th का मैं ग्रामर ले रही थी। ग्रामर के हमारे तीन चार टॉपिक्स कवर हो गए। उसके बाद मैंने 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर ले लिया, दैट वाज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, दैट वाज द पोएम बाय रविंद्रनाथ टैगोर, राइट। और अब मैं ले रही हूँ स्टैंडर्ड 9th की फर्स्ट पोएम, लाइफ, जिंदगी, ठीक है, जिंदगी, ये वाली पोएम ले रही हूँ। सो देखो, यह है आपका कुछ टेक्स्ट बुक का इंटरफेस। इंटरफेस बड़ा ही प्यारा सा, यार मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और देखो, बहुत ही सारे लेसन है, लाइक यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, हम ये सब कवर करेंगे। पर आज फर्स्ट हम देख रहे हैं 1.1, दैट इज लाइफ, दैट इज पेज नंबर 2। ओके, चलो देखते हैं। लाइफ, लाइफ यानी क्या है? सबसे पहले तो मुझे बताओ, सबकी सब लोगों की ना डेफिनेशन लाइफ की अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की लाइफ बहुत ही ज्यादा, किसी के लिए लाइफ का डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा हंसी वाला होता है, मतलब हैप्पी वाला होता है। किसी के लिए दुख भरा होता है, किसी के लिए लाइफ का मतलब हार्ड वर्क होता है, तो किसी के लिए लाइफ का मतलब लग्जरियस होता है। तो लाइफ का जो डेफिनेशन है, लाइफ का जो मतलब है, वो सब लोगों के लिए अपने अपने हिसाब से कैसा है, अलग है। ठीक है, सो लाइफ, लाइफ में जिंदगी। चलो देखते हैं जिंदगी के बारे में इस पोएम में क्या लिखा है। लाइफ, बिलीव इट इज नॉट अ ड्रीम, मतलब लाइफ, यकीन करो ये एक सपना नहीं है, सपने की तरह नहीं है। सो डार्क एज सेजस से, यानी कि कैसी है, एकदम डार्क सी है। ऑफन द लिटिल मॉर्निंग रेन, पर कभी कभी कैसा हो जाता है, सुबह सुबह कैसी बारिश हो जाती है तो सारा माहौल शांत हो जाता है। कभी कभी लाइफ वैसी भी है। फॉरटेल्स अ प्लीजेंट डे, कभी कभी बहुत ही प्लीजेंट डे हो जाता है, राइट। तो मतलब कभी कभी लाइफ कैसी है, थोड़ी सी सौरभ भरी है, रेन आ रहा है, ठीक है, बारिश आ रही है, तो बारिश किसको डिनोट कर रही है कि सुबह सुबह थोड़ा सा सौरभ हो जाता है। फॉरटेल्स अ प्लीजेंट डे, यानी कि कभी कभी हमारा दिन जो है वो एक ही एकदम मस्त सा, शांत सा, अच्छा सा गुजरता है, वो बता रहा है। समटाइम्स देर आर क्लाउड ऑफ ग्लूम्स, मतलब कभी कभी कैसा हो जाता है, दुख भरे बादल छा जाते हैं हमारे लाइफ में, ठीक है, बट दिस आर ट्रांजियंट ऑल, बट ये कभी कभी के लिए है, हमेशा के लिए है क्या नहीं। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि समटाइम्स देर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम, यानी कि कभी कभी कैसा हो जाता है, जो हमारा एनवायरमेंट है, राइट, तो उसमें काले बादल आ जाते हैं ऊपर, बादल 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 बादल, बादल, काले बादल, काले घने बादल। वैसे ही हमारे लाइफ में भी कभी कभी दुखों के काले घने बादल आ जाते हैं, पर ये सब कितनी देर के लिए होते हैं, फॉर अ पीस ऑफ टाइम, थोड़े टाइम के लिए होते हैं। इफ द शावर विल मेक दिस रोजेस ब्लूम, पर फिर बाद में क्या होता है, बारिश आती है और जो भी एनवायरनमेंट काला हो चुका था, जो भी फ्लावर्स मुरझाए हुए थे, उन फ्लावर्स को वो कैसे करता है, फिर से उगाता है, राइट। यानी कि क्या, कि कभी कभी तो हमारे लाइफ में सॉरो रहता है, पर उसके बाद कुछ ऐसी चीज होती है जिससे कि हमारे लाइफ को जो है वो मीनिंग बन जाता है, मीनिंग मिल जाता है, और हम सब कैसे हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ओ हाय, लैंडिंग इट्स फॉल रैपिडली मेरिली, लाइफ तनी आस फ्लेड बाय, यानी कि एकदम फटाफट से, एकदम फटाफट से और एकदम मस्त तरीके से लाइफ के जो सनी आस रहते हैं, एकदम जो ताजे तवाने आस रहते हैं, वो निकल जाते हैं। ग्रेटफुली, चीयरफुली एंजॉय देम एज दे फ्लाई, यानी कि फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव दिस मोमेंट राइट नाउ, अगर आपके पास एक खुशी भरा मोमेंट है, ठीक है, एक हैप्पी मोमेंट है, तो ये हैप्पी मोमेंट हमेशा के लिए टिकने वाला है क्या? नहीं, इट विल बी ओनली लास्ट फॉर दिस मोमेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपके फ्रेंड्स के साथ हो अभी, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितने देर रहोगे, 1 घंटा मस्ती करोगे, 2 घंटा मस्ती करोगे, 1 दिन मस्ती करोगे, उससे ज्यादा होगा कि नहीं? फिर आपको आपके आपके घर आना पड़ेगा। तो जितना टाइम मिल रहा है उतना टाइम ग्रेटफुली चीयरफुली फटाफट से एंजॉय कर लो। क्यों? क्योंकि ये जो हैप्पी टाइम्स है ना, ये जो हमारे लाइफ के सनी आर्स रहते हैं, ये हमारे जिंदगी में से बहुत जल्दी, बहुत फटाफट गुजरते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम उसे एंजॉय करते रहते हैं, और जो चीज हमें पसंद रहती है, जो चीज हमें पसंद रहती है और हम वो करते रहते हैं, तो उस समय टाइम कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। पर जो चीज दुख भरी होती है, जो हमें पसंद नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल, इफ आप गेम खेल रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो, तो टाइम कैसे हो जाएगा, हम फटाफट निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पसंद है। पर जब आप पढ़ाई करते हो, आप देखते हो 9 बजे, थोड़ी देर के बाद देखते हो, आप बोलोगे बाप बहुत देर हो गई, 9:10 हुए, टाइम ही नहीं निकलता है, राइट। सो वैसे ही लाइफ के जो सनी आज है, यानी कि जो हैप्पी मोमेंट्स है,
वो फटाफट से ग्रेटफुली चेयरफुली इंजॉय कर लो बिकॉज दे विल फ्लाई अवे. वॉट टू डेट एट टाइम स्टेप्स इन, क्या पता कब हमारी मौत हमारे सामने आ जाए. ठीक है, मौत यानी कि डेथ, राइट, डरा मत यार. एंड कॉल्स आर बेस्ट अवे, और हम में से किसको बुला ले. वॉट टू सोरो सीम्स टू विन, क्या पता दुख जीत जाए. ठीक है, और होप अ हैवी स्वे, क्या हम होप कर सकते हैं. येट होप अगेन, इलास्टिक स्प्रिंग्स, फिर से क्या आएगा, स्प्रिंग्स आएंगे, फिर से सौरों के माहौल जाएंगे, सौरों के दिन जाएंगे, खुशियों के दिन लौटेंगे. अनकॉन्कर थॉट्स यू फेल, फिर वो कैसे हो जाएंगे, हम हार के बैठ जाएंगे. स्टिल बॉयंट आर हर गोल्डन विंग्स, पर तभी भी उसके पास क्या है, उसके गोल्डन विंग्स है. स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बियर अस वेल, यानी कि क्या, ये मैं पूरा पैराग्राफ का मीनिंग बताती हूँ, राइट. अब देखो हमें क्या करना चाहिए, ये पूरा इसका मीनिंग बताती हूँ. हमें क्या करना चाहिए, जो हैप्पी मोमेंट्स उसको ग्रेटफुली चेयरफुली इंजॉय करना चाहिए, पता नहीं कब उड़ के चले जाए, राइट. फिर पता नहीं यार कि कब डेथ आंखों के सामने आ जाए, कब डेथ किसको बुला ले, कब सौरव फिर से हमारे आंखों के सामने आ जाए और हम में से बहुत सारी चीजें लेके चले जाए. पता नहीं कब फिर से स्प्रिंग आ जाए, सौरों के मासूम वापस चले जाए. पता नहीं कब हम जीते कब हम हारे, कभी कभी हम हार भी सकते हैं, कभी कभी हमें जो चीज कॉन्कर करनी होती है वो हम कॉन्कर नहीं भी कर सकते. पर तभी भी अगर कोई पर्टिकुलर चीज है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, इधर का मीनिंग बता रही हूँ अनकॉन्कर से. सो देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग, दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग, ये आपको कॉन्कर करनी है, ये आपको कॉन्कर करनी है. पर कभी कभी कैसा हो जाता है, आपके पास सारी एबिलिटी रहकर भी आप वो चीज जीत सकते हो क्या, नहीं जीत सकते, राइट. आप वो चीज नहीं जीत पाते, पर उस चीज को नहीं जीत पाने से आपको सैड होना है क्या, नहीं होना है. क्यों, क्योंकि वो जो एबिलिटी थी, वो जो एबिलिटी थी वो तो अभी भी आपके पास है. वो जो गोल्डन विंग्स थे आपके, वो तो अभी भी आपके पास है, और वो गोल्डन विंग्स को यूज कर आप क्या कर सकते हो, फिर से एक नई चीज जीत सकते हो, इससे बेटर चीज आप जीत सकते हो. ये बात याद रखनी, इससे बेटर चीज आप जीत सकते हो, ये बताया गया है, राइट. नाउ मैनफुली फियरफुली फियरलेसफुली द डे ऑफ ट्रायल बियर फॉर ग्लोरियसली विक्टोरियसली कैन करेज क्विल डिस्पेयर. यानी कि क्या, कि जो भी हम मन से करेंगे बिना डर के करेंगे, ऐसा एक दिन हम ट्रायल करेंगे, कोई भी एक चीज को हम फिर से ट्राई करेंगे, और देखो ग्लोरियसली एकदम प्यारे तरीके से विक्टोरियसली यानी कि जीत के हम क्या करेंगे, हमारा करेज जो है, हमारा हिम्मत जो है वो फिर से पा लेंगे. ठीक है, सो ये पोयम किसने लिखी थी, ये पोयम किसने लिखी थी, चार्लियट ब्रॉन्टी. किसने लिखी थी, चार्लोइट, चार्लोटी बोलते हैं कोई से, अदरवाइज चार्लोइट बोलते हैं, ब्रॉन्टी. ठीक है, ये आपके प्रोनाउंसिएशन पे, आपके टीचर्स के प्रोनाउंसिएशन पे, मैं तो बोलूंगी प्रोनाउंसिएशन से ज्यादा स्पेलिंग लर्न कर लो क्योंकि एप्रिसिएशन में आएगा. हो गया, अब इस पोयम का फिर से मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू देती हूँ. लाइफ, लाइफ की डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग होती है, वैसे उन्होंने यहाँ पे एक दो तीन चार पांच पैराग्राफ में अलग अलग डेफिनेशन बताए हैं. उन्होंने क्या बताया कि लाइफ एक ड्रीम नहीं है, ये समझ लो. लाइफ कभी डार्क होती है तो कभी अच्छी होती है, यानी कि कभी दुख भरी होती है तो कभी खुशी भरी होती है. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि लाइफ डार्क होती है, कभी कभी बारिश हो जाती है, यानी कि क्या, कभी कभी बहुत ही दुख भरी होती है, कभी कभी बारिश की तरह शांत हो जाती है, और कभी कभी प्लीजेंट यानी कि अच्छी हो जाती है. फिर उन्होंने क्या बोला कि कभी कभी हमारे सर के ऊपर दुख के घने बादल मंडराते हैं, पर वो थोड़े देर के लिए होते हैं, वो हमेशा के लिए होते हैं क्या, नहीं. जो भी टाइम आप पर आ रहा है, आपके फैमिली पर आ रहा है, वो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड है. उतने टाइम के लिए खुशियां रहेंगी, उतने टाइम के लिए दुख रहेंगे. जिंदगी भर दुख नहीं रहने वाला, जिंदगी भर खुशी नहीं रहने, पर्टिकुलर टाइम. जैसे सीजन बदलते हैं, समर रेनी सीजन, विंटर सीजन, वैसे ही ये भी सीजन बदलते हैं, दुख खुशी दुख खुशी, दे गेट अल्टरनेटिंग. ठीक है, वो अल्टरनेटली चेंज होता रहता है. ठीक है, तो रैपिडली मेयरली अपने जो खुशी के पल है वो एंजॉय कर लो. क्यों, कि वो कैसे होने वाले हैं, थोड़ी देरों में, थोड़ी देर में देखते पलक झपकते वो कैसे होंगे, उड़ जाएंगे. कैसे होंगे, उड़ जाएंगे. व्हाट टू डेथ एज टाइम स्टेप्स इन, फिर क्या पता कब डेथ आ जाए, किसको बुला ले, आपको या मुझको, राइट. क्या पता कब दुख जीत जाए, क्या पता जब हमारे अंदर जो पूरा हैवीनेस भर के रखा है, यानी कि जो दुख है जिसको हमने रो के बताया नहीं है, वो कब बाहर आ जाए, राइट. क्या पता फिर कब होप मिले, क्या पता हम अगर हार गए तो हमारे जो गोल्डन विंग्स है, हमारे पास जो एबिलिटी है, क्या हम उनमें फिर से होप से फिर से काम शुरू कर पाए.
और अगर हमने काम शुरू किया तो हमें कैसे करना है, हमारे पूरे दिल से करना है, बिना डरे करना है। क्या पता ट्राई करते करते कहीं हम वो काम ग्लोरियसली और विक्टोरियसली जीत जाए। क्या पता जो हमारी जो हिम्मत कहीं छूट गई थी, हमारी जो कहीं खुशियां कहीं लूट गई थी, वो सब हमें फिर से मिल जाए। ये पोयम किसने लिखी है? चार्लोट ब्रॉन्टी ने लिखी है। आई होप दिस पोयम इज क्लियर टू यू। क्लियर हो गई क्या बच्चा लोग? एक बार बोल दो यार क्लियर। एक सेकेंड, इज दिस पोयम क्लियर टू यू? ठीक है, ये देखो बहुत ही इजी थी पोयम, इतना कुछ हार्ड नहीं था। आई नो कि इसमें कौन से जो वर्ड्स है उन्होंने वो बहुत ही हार्ड यूज किए। फिर हार्ड क्यों यूज किए? क्योंकि उन्होंने जैसे पर्सनिफिकेशन मेटाफोर बताया, जैसे रेन को दुख से कंपेयर किया है, क्लाउड्स ऑफ ग्लूम को दुख से कंपेयर किया है, सनी डेज को खुशियों से कंपेयर किया है, राइट? तो उन्होंने ऐसे कंपेयरिंग की वजह से क्या हुआ कि वर्ड्स जो है वो हमें थोड़े से हार्ड लगता है। पर एक बार आपको पोयम का मीनिंग क्लियर हो गया जो कि मैंने आपको समझा दिया, देन इतना ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा। लग रहा है कि आप हार्ड मेरे को एक बार बोल दो कि क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? ओके, क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन कि एक बार फिर से समझाना है आप लोगों को, बोलो फटाफट। हार्ड वर्ड्स का मीनिंग बताना है क्या? हार्ड वर्ड्स का मीनिंग बताना है क्या? बिलीव यानी कि भरोसा रखना। ठीक है, मैं एक बार हार्ड वर्ड्स का मीनिंग बताती हूँ आपको। आई डोंट नो सबको हार्ड वर्ड्स आते होंगे कि नहीं। ठीक है, बिलीव यानी कि भरोसा रखना, ड्रीम यानी कि सपना, डार्क यानी तो कैसे दुख भरा। ठीक है, ठीक है, सेजेस यानी कि जो बोलते हैं लोग, लिटिल मॉर्निंग यानी कि सुबह जो शांति होती है वो, प्लीजेंट यानी कि हम बोलते हैं ना शांति भरा, सुकून भरा, वैसा प्लीजेंट। ठीक है, क्लाउड्स ऑफ ग्लूम यानी कि दुख, दुख भरे बादल बोलते हैं ना हम कि मेरे पे तो दुख भरे बादल आ पड़े, वैसा। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब थोड़ी देर के लिए, राइट? ये वाला ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट यानी कि थोड़ी देर के लिए। इफ द शावर्स विल मेक द रोजेस ब्लूम यानी कि क्या कि बारिश आने के बाद कैसे सारे जो मुरझाए हुए पेड़ होते हैं, मुरझाए हुए फ्लावर्स होते हैं, वो फिर से उग पड़ते हैं, वैसे ही थोड़ी खुशियों खुशियों की बारिश होने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से मुरझाए जो थे हम वो फिर से कैसे होंगे, खुशियों में उठ पड़ेंगे। ठीक है, देन रैपिडली मेरे लिए यानी कि फटाफट से, रैपिडली यानी कि फटाफट से, मेरे लिए यानी कि फटाफट से, दोनों का मीनिंग सेम है। जो भी आपको मिल रहा है उसको क्या हो, आप ग्रेटफुल हो। फॉर एग्जाम्पल मुझको आप लोग मिले हो तो मैं भगवान से ग्रेटफुल हूँ कि मुझको आप लोग मिले हो, राइट? वैसा ग्रेटफुल चेयरफुल, एंजॉय देम एज दे फ्लाई, एंजॉय कर लो जैसे ही वो उड़ जाएंगे। ठीक है, वॉट थ्रो डेथ, डेथ तो सबको पता है, राइट? एंड कॉलेज आर बेस्ट अवे, इसमें भी कुछ समझाने की है नहीं। वॉट थ्रो सोरो, सोरो यानी कि दुख, सीम्स टू विन, क्या पता कब दुख जीत जाए कब खुशियां जीत जाए। और होप हैवी स्वे, स्वे यानी कि उड़ा के लेके चले जाए। येट होप, होप यानी कि आशा, होप यानी कि क्या बोला दीदी ने, आशा। अगेन इलास्टिक स्प्रिंग्स, इलास्टिक स्प्रिंग्स। अनकॉन्कर्ड, अनकॉन्कर्ड यानी कि हार कर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक राजा था, वो कोई किला जीतने जाता था, वो कोई गढ़ जीतने जाता था। अगर उसने वो गढ़ नहीं जीता तो हम क्या बोलते थे, दैट इज अनकॉन्कर्ड फोर्ट बाय दैट किंग, बाय दैट पर्टिकुलर किंग, राइट? स्टिल बॉयंट, बॉयंट यानी कि उसके पास अभी भी है। स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बियर अस वेल, मतलब यार अभी भी वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो सब दुखों को क्या कर सकती है, झेल सकती है। ठीक है, मैनफुली फियरलेसफुली यानी कि मन से और बिना डर के, राइट? डे ऑफ ट्रायल बियर, ट्रायल बियर यानी कि जब हम ट्राई करेंगे कुछ नई चीज। ग्लोरियस टेक्निक यानी कि एकदम प्यारे तरीके से, एकदम मस्त तरीके से। विक्टोरियसली यानी कि क्या? विक्टोरियसली यानी कि क्या? विक्ट्री यानी कि जीतना। विक्टोरियसली यानी कि एकदम मस्त तरीके से, यानी कि विक्ट्री यानी कि जीतना। तो विक्टोरियसली यानी कि एकदम मस्त तरीके से जीतना। कैन करेज क्विल डिसअपियर, फिर क्या होगा? डिस्पेयर, डिस्पेयर यानी कि क्या? फिर से हमें मिल जाएगा। Who wrote this poem? याद रखना चार्लोट ब्रॉन्टी। मैं बार बार इसलिए क्यों रही, क्योंकि एप्रिसिएशन में बच्चे यही भूल जाते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? हार्ड वर्ड्स भी बता दी, मैं पानी पीती हूँ। क्लियर टिल नाउ? ओके, नाउ आपके लिए दीदी क्या लेके आई है?
इंग्लिश वर्कशॉप। आप बोलोगे दीदी इंग्लिश वर्कशॉप है तो कहीं सुना है? हाँ, सुना है, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे ही है। यानी कि जैसी आपकी पोयम खत्म होती है उसके बाद आपका क्या है, इंग्लिश वर्कशॉप है, राइट। उसके बाद आपका क्या है, इंग्लिश वर्कशॉप। ये स्कूल्स में वगैरह ज्यादा कराते नहीं है, एटलीस्ट हमारे स्कूल में तो नहीं कराते थे। टीचर्स बोलते थे कुछ नहीं, आंसर्स आपने डाइजेस्ट में से लर्न कर लो, कुछ नहीं होता है ऐसा वैसा। बट आई थिंक कि अगर बच्चों को क्वेश्चन आंसर समझे नहीं तो बस लर्न करके फायदा नहीं है। इसलिए आपके लिए वर्कशॉप पूरी लेके आई हूँ, पूरा पढ़ते हैं मस्त तरीके से, ठीक है। आपको पूरा समझाती हूँ। पिक आउट द पोयम, पिक आउट फ्रॉम द पोयम टू लाइन्स ईच दैट रिफ्लेक्ट्स ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पेसिमिस्टिक नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है। इस पोयम में से आपको ऐसे दो दो सेंटेंस उठाने, एक ऐसे दो सेंटेंस जो पॉजिटिव होंगे और दूसरा ऐसे दो सेंटेंसेस जो नेगेटिव फील कराएंगे हमें, राइट। तो देखो पहले दो कौन से, पॉजिटिव। फॉर टेल्स अ प्लीजेंट डे, यानी कि क्या कि सब दुख के बाद एक कैसा दिन आएगा, प्लीजेंट डे आएगा। बट दिस आर ट्रांजिएंट ऑल, मतलब क्या कि ये सब कितने देर के लिए, थोड़े देर के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये देखो फॉर टेल्स उसके ऊपर क्या बोला है, ऑफन टू लिटिल मॉर्निंग ले, ठीक है। यानी कि क्या कभी कभी थोड़ा सा हम सैड हो जाते हैं पर उसके बाद क्या आता है, प्लीजेंट डे आता है। यानी कि ये क्या दे रहा है, हमें होप दे रहा है, होप दे रहा है यानी कि पॉजिटिव मैसेज दे रहा है, राइट। सो दिस इज आवर पॉजिटिव वन, फर्स्ट लाइन। ये देखो ये जो है हमारी फर्स्ट पॉजिटिव लाइन है। सेकंड पॉजिटिव लाइन क्या है हमारी, बट ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ब्लू, कभी कभी दुख भरे बादल होते हैं, पर उसके नीचे क्या लिखा गया है, पर ये एक थोड़े टाइम के लिए होते हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होते हैं। सो ये जो सेकंड है हमारा, दिस इज अ सेकंड पॉजिटिव लाइन। यानी कि पहले उन्होंने हमें थोड़ा सा डरा दिया कि आज दुख भरे बादल होते हैं, पर बाद में उन्होंने हमें होप दे दी कि ये कितने देर के लिए होते हैं, थोड़े देर के लिए होते हैं, राइट। सो जो चीज हमें होप देती है वो चीज कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट थिंग इज पोर्टल्स आर प्लीजिंग टू द सेकंड, बट दीज आर ट्रांजिएंट ऑल, बट ये कैसे ट्रांजिएंट है, ओके। ऑप्टिमिज्म समझ गया। अब देखो सब लोगों ने क्या करना है, अपनी नोटबुक उठाना है, अदरवाइज अपनी टेक्स्ट बुक उठाना है। क्या उठाना है, टेक्स्ट बुक, राइट। नोटबुक अदरवाइज टेक्स्ट बुक उठाओ। और ये जो सारी चीजें आंसर्स मैं आपको दे रही हूँ, ये जो सारे आंसर्स मैं आपको दे रही हूँ, ये क्या करना है, नोट डाउन करना है। क्या करना है, नोट डाउन करना है। नोट डाउन करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, एग्जाम के पहले जब वो नोटबुक उठा के देखोगे तो फटाफट से आंसर्स याद आ जाएंगे, किसी किधर और ढूंढने की जरूरत पड़ेगी कि आप लोगों को नहीं पड़ेगी, ओके। पेसिमिज्म यानी कि नेगेटिव, ऑफन टू लिटिल मॉर्निंग रेड, उसी के ऊपर का वर्ड, मतलब कभी कभी दुख हो जाता है, कभी कभी सुबह सुबह ही हम रोने लग जाते हैं, सैड फीलिंग आती है, सो इट इज वन ऑफ द नेगेटिव, राइट। और उसके बाद का सेकेंड लाइन क्या दिया गया, एक मिनट रुको, दिस ये ऑफन द लिटिल मॉर्निंग, यानी कि कभी कभी कैसा हो जाता है, दिन की शुरुआत ही बुरी हो जाती है, तो ये क्या बता रहा है, हमें नेगेटिव चीज बता रहा है। सो हमने इसे क्या लिख दिया, पेसिमिज्म लिख दिया, ठीक है। दिस इज द वन नेगेटिव लाइन, नेगेटिव लाइन वन। या सेकंड दैट इज समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम, कभी कभी तो दुख भरे बादल छा जाते हैं, तो इससे भी लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं कि यार लाइफ ऐसी होती है, बच्चे डर जाते हैं यार बड़े होने के बाद लाइफ ऐसी होगी, दुख भरे बादल छाएंगे हम पर। तो देखो दिस इज द नेगेटिव लाइन, दुख भरे बादल आते हैं नहीं आते ऐसा नहीं बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी आप लोगों से, बट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड वो भी निकल जाते हैं, राइट। अब आपको इसमें से याद है क्या रखना है, ऑप्टिमिज्म वो हमेशा बताएंगे नहीं आपको, मीनिंग ऑप्टिमिज्म यानी कि क्या, वो बस आपको एग्जाम में देंगे कि ऑप्टिमिज्म के दो लिखो और पेसिमिज्म के दो लिखो। तो आपको याद रखना है कि व्हाट इज ऑप्टिमिज्म एंड व्हाट इज पेसिमिज्म। व्हाट इज ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म यानी कि जो लाइंस पॉजिटिव मीनिंग दर्शाते हैं, एंड पेसिमिज्म यानी कि जो लाइंस नेगेटिव मीनिंग दर्शाते हैं। व्हाट आर द पॉजिटिव लाइंस, व्हाट इज अ प्लीजिंग डे सेकंड, बट दिस आर ट्रांजिएंट ऑल। पेसिमिज्म नेगेटिव की फर्स्ट लाइन क्या है, ऑफर टू लिटिल मॉर्निंग रेन, सेकंड समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ब्लू। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा तो मुझे कमेंट्स बताओ। चलो इज फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर टू यू ऑल, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर 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 होगा ना यार, तो ऐसा कुछ तो एक इमोजी ठहराते हैं हम, ये थम्स अप ही ठहराते हैं, ठीक है, थम्स अप दे दो, थम्स अप, थम्स अप कर दो, क्लियर होगा तो हम इमोजीज ठहराते जाएंगे, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, दैट इज गिव अदर एलवाई एडवर्ब्स ऑफ सिमिलर मीनिंग और फॉर द फॉलोइंग यूज अ थेसॉरस इफ एंड इफ नीडेड। यानी कि क्या हमें क्या करना है, एलवाई
एलवाई मैंने ग्रामर के पार्ट में बताया था 9th और 10th के बच्चों को, दैट इफ हम कौन सी भी वर्ड के आगे एलवाई लगा रहे तो वो वर्ड क्या बन जाएगा, एलवा बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ठीक है, और फिर मैंने इसको लगा दिया एलवाई, यानी कि इसी को क्या किया मैंने, ब्यू ये ए है राइट, ब्यूटीफुल, और इसको क्या लगा दिया एलवाई. सो ये जो ब्यूटीफुल है ये तो एक नाउन है, सॉरी वर्ब है, लाइक ब्यूटीफुल अच्छा दिखना एक वर्ब है, एक्शन है, बट ब्यूटीफुल इट इज एन एडवर्ब. एलवाई लग गया तो वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा. ये मैंने किस में सिखाया था आपको, ग्रामर के लेक्चर्स में सिखाया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिखाया था राइट. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट वन एंड पार्ट टू जाके देख लेना लेक्चर के बाद, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स फॉर यू ऑल गाइज राइट. 9th और 10th में अच्छे परसेंट लाने होंगे तो वो देख लेना जरूर. नाउ रैपिडली रैपिडली अब हमें क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग समझाती हूँ. क्वेश्चन क्या है कि ये जो आपको रैपिडली वर्ड दिया गया है, सिमिलर मीनिंग का वर्ड आपको निकालना है. सिमिलर मीनिंग अब जो भी लिखोगे उसका मीनिंग सिमिलर होगा, बट उसको भी लास्ट में क्या होना चाहिए, एलवाई होना चाहिए. उसको भी लास्ट में क्या होना चाहिए, एलवाई होना चाहिए ठीक है. सो फर्स्ट वर्ड इज रैपिडली, मुझे आंसर बताओ कमेंट्स में, किसी को पता होंगे तो. सेकेंड इज मेरिली, थर्ड इज ग्रेटफुली, फोर्थ इज सियरली. अब सबके मीनिंग में आपको समझा देती हूँ राइट. रैपिडली का मीनिंग एकदम फटाफट, मेरिली का मीनिंग एकदम मस्त तरीके से फटाफट, ग्रेटफुली ग्रेटफुल यार देखिए हम बोलते ना कि यार जो भी चीजें हमें मिली है उसके लिए हम कैसे शुक्रगुजार है, तो ग्रेटफुल यानी कि शुक्रगुजार, ग्रेटफुल यानी कि शुक्रगुजार. मुझे आप सब मिले, यहाँ मिले कहीं और, ओके आप सब मुझे मिले यानी कि मैं आपके लिए कैसी हूँ, ग्रेटफुल ग्रेटफुल राइट. चीयरली यानी कि एकदम मस्त मौला होके ठीक है, मस्ती में. मैनफुल यानी कि पूरे दिल से मन से राइट. देन फियरलेसली बिना डर के, बिना डर के. ग्लोरियसली यानी कि एकदम प्यारे तरीके से, ऐसा करना ना कि वो इतना ब्यूटीफुल टर्न आउट हो कि सबको पसंद है राइट. एंड विक्टोरियसली यानी कि जो भी करो वो जीतने के हिसाब से करो, जीतो उसमें, ऐसा बताया गया है. फर्स्ट रैपिडली, चलो इसका आंसर कमेंट्स में बताओ. सेकेंड मियरली, थर्ड ग्रेटफुली, फोर्थ चीयरली, फिफ्थ मैनफुली, सिक्स फियरलेसली, सेवेंथ ग्लोरियसली, एट विक्टोरियसली. आंसर बता रहे हो क्या कमेंट्स में, आंसर बता रहे हो, बता रहे हो, बता रहे हो. चलो देन मैं बताती हूँ. फर्स्ट इज रैपिडली, फर्स्ट इज रैपिडली, रैपिडली यानी कि दीदी क्या होता है, तो फटाफट फटाफट, तो फटाफट यानी कि स्विफ्टली यू हो जाएगा रैपिडली. आप इफ मैंने आपको कहा when your homework will be done, तो आप क्या बोलोगे, दी माय होमवर्क विल बी डन रैपिडली, यानी कि मैं क्या कर लूंगा, फटाफट मैं होमवर्क डन कर लूंगा, डन कर लूंगा. तो स्विफ्टली यानी कि रैपिडली, सेम मीनिंग से उनके, फटाफट ओके. मेरिली, मेरिली यानी कि मैंने बोला था एकदम मस्त बोला ओके, वैसे ही चीयरफुली, चीयरफुली ठीक है. मेरिली यानी कि मस्त होके, चीयरफुली यानी कि भी मस्त होके, दोनों के मीनिंग सेम है राइट. दोनों के हम अलग अलग कलर्स लेके मजा आएगी. ओके मेरिली का मीनिंग है अभी लर्न कर लो, बाद में घर पे जाके सेशन, घर पे जाके बोल रहे सेशन होने के बाद लर्न करने की जरूरत नहीं, अभी ही खत्म हो जाएगा ओके. ग्रेटफुल यानी कि मैंने क्या कहा था, शुक्रगुजार, शुक्रगुजार यानी कि हम शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करना यानी कि क्या, थैंकफुल होना. सो ग्रेटफुल मीन्स, ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुल, ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुली, क्लियर. ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुली. आप कौन सा कलर ग्रीन लेती हूँ. चेयरली, चेयरली, चेयरली यानी कि मैंने क्या बोला था, एकदम मस्त खुशी से, खुशी से यानी कि क्या, हैप्पीली, खुशी से यानी कि क्या, हैप्पीली. चेरीली अच्छा था यार, पर खुशी से भी तो अच्छा था ठीक है. वो इंस्टा पे ट्रेंड आया था ना, ये अच्छा है पर वो भी अच्छा है, वैसे चेरीली अच्छा है ठीक है, चेरीली अच्छा है बट हैप्पीली भी अच्छा है ओके. नाउ नेक्स्ट दैट इज, अब वापस रेड कलर लेती हूँ, मैनफुली. मैनफुली यानी कि मैंने क्या बोला, पूरे दिल से, पूरे मन से, मन तन धन सब लगा दो, यानी कि क्या, ब्रेवली, हिम्मत से राइट. मैन, मैनफुली, ब्रेवली. मैनफुली का क्या लिखोगे आप लोग, चैन खुली की मेन खुली ओके. चैन खुली की मेन खुली, चैन खुली का एडवर्ब क्या है, मेन खुली. चैन खुली का सेम मीनिंग क्या है, मेन खुली. वैसे मैनफुली का मेन मीनिंग क्या है, ब्रेवली. क्लियर एवरीवन. या आप लोग अब क्या करोगे, इन सबको लर्न कर लोगे. इधर कोई समझाना ज्यादा नहीं है इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, उसको डेकोरेट कर रही हूँ. आप लोग क्या कर सकते हो, उसको लगेज लिख सकते हो जितने इसमें मैं डेकोरेट कर रही हूँ, और लगेज लर्न कर सकते हो, तुरंत लर्न कर सकते हो.
फियरलेसली, फियरलेसली यानी कि बिना डर के, बिना डर के यानी कि हिम्मत से, हिम्मत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करेज बोलते हैं। तो फियरलेसली यानी कि करेजियसली, फियरलेसली यानी कि करेजियसली, करेजियसली मत बोल देना। ये देखो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है, करेज डबल ही आ गया, करेजुलेसली मत बोलना, बिना डरे बोलना। करेजुलेसली यानी कि बिना हिम्मत के, पर अगर बोलना है आपको हिम्मत के साथ तो आप क्या बोलोगे, करेजसली, ठीक है, करेजसली, ठीक है। तो करेजसली यानी कि हिम्मत के साथ, फियरलेस यानी कि बिना हिम्मत के, तो करेजसली यानी कि हिम्मत के साथ, दोनों के मीनिंग सेम हो गए, राइट। देन क्या आ रहा है, देन क्या आ रहा है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। ग्लोरियसली, ग्लोरियसली, ग्लोरियसली यानी कि एकदम प्यारे तरीके से, मैंने बोला था ना आपको कि ग्लोरियसली यानी कि क्या, ऐसी करो चीज, ऐसे वो चीज ऐसे होनी चाहिए कि आप करोगे तो उसके बाद लोगों को लगना चाहिए कि यार कितने प्यारे तरीके से किया, कितने मस्त तरीके से किया। तो मस्त को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वंडरफुल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वंडरफुल बोलते हैं। तो ग्लोरियसली को हम क्या बोलेंगे, ग्लोरियसली को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वंडर फुली। ओ शिट यार ये बिगड़ गया मेरा, बट इट्स ओके, चलो हम ग्लोरियसली को क्या बोलेंगे, वंडर फुली बोलेंगे। देन विक्टोरियसली यानी कि मैंने आपको क्या बोला था, जीत के आना का बोला था, राइट, जीतने का बोला था। तो जीतने का एक न्यू वर्ड आपके सामने आ रहा है, दैट इज ट्रियम्फेंटली, ट्रियम्फेंटली, ट्रियम्फेंटली यानी कि क्या, जीतना, ठीक है, ट्रियम्फेंटली। तो ये वर्ड याद रखो, ये सारे वर्ड्स आपको याद रह जाएंगे साथ के साथ, ये लास्ट के वर्ड में गोल हो जाएगा, राइट। तो ये वाला वर्ड याद रखना, ट्रियम्फेंटली, ट्रियम्फेंटली। फर्स्ट रैपिडली, स्विफ्टली, मेरिली, चीयरफुली, ग्रेटफुली, थैंकफुली, चीयरली, हैप्पीली, मैनफुली, ब्रेवली, फियरलेसली, करेजसली, ग्लोरियसली, वंडरफुली, विक्टोरियसली, ट्रियम्फेंटली, ट्रियम्फेंटली। क्लियर यहाँ तक? क्वेश्चन सेकंड, यस क्वेश्चन सेकंड क्लियर टू यू ऑल, यस क्वेश्चन सेकंड क्लियर टू यू ऑल। क्वेश्चन सेकंड क्लियर होगा ना, तो अब आप कौन सा इमोजी डाल दो, फिर से थम्स अप का डाल दो, फिर से थम्स अप का डाल दो, दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन दैट इज पिक आउट द एग्जांपल्स ऑफ इंटरोगेशन फ्रॉम द पोएम, एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स द पॉइंट दैट ईच वन मेक्स। यानी कि क्या करना है आपको, जो पोएम है उसमें से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस उठाना है और उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, उनका मीनिंग क्या हो रहा है आपको वो क्या करना है, एक्सप्लेन करना है आपको। क्या आप लोगों को पता है व्हाट डज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मीन, मुझे एक बार कमेंट्स बताओ कि आप लोगों को पता है, इफ नहीं पता होगा सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ओके, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। है क्या पता, कमेंट्स बताओ, इंटरोगेटिव, व्हाट डज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मीन। आप बोलोगे दीदी नहीं यार कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं पता। सो देखो देयर आर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, फॉर एग्जांपल, मतलब पूरा आपको समझाती हूँ डीप में, देयर आर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, कितने टाइप के मेन सेंटेंसेस, बहुत टाइप के होते हैं, पर मेन कितने माने जाते हैं, चार माने जाते हैं, कितने माने जाते हैं, चार। फर्स्ट इज हम असरेटिव भी कहते हैं, बाकी उस बुक्स में अलग अलग दिया गया है। असरेटिव में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, सिंपल सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है। सेकेंड इज हमारा आता है इंपरेटिव, विच इंपरेटिव। थर्ड इज इंटरोगेटिव, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट, वो वाला। एंड फोर्थ इज वॉट, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। फोर्थ कौन सा है हमारा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। आप बोलोगे दीदी हाँ 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 याद आ रहा है कि ऐसे कुछ तो था, दीदी आप इनका मीनिंग समझा दो। तो देखो असरेटिव सेंटेंसेस में पॉजिटिव सेंटेंसेस भी होंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस में होंगे। असरेटिव सेंटेंसेस कैसे होंगे, सिंपल सेंटेंस होंगे, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, मीनिंग समझ गया, बात खत्म, असरेटिव सेंटेंस वो वाला हो गया जो एंड होता है फुल स्टॉप से। ओके नाउ व्हाट मीन डज इट मीन बाय एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की जिसके लास्ट को एक्सक्लामेटरी मार्क लगा, जिसके लास्ट को ऐसा लगा हो ना ऐसा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। नाउ इंपरेटिव सेंटेंस, व्हाट डज इंपरेटिव सेंटेंस मीन, इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि कोई भी एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ऐसी अगर चीजें आ गई तो वो किसमें कन्वर्ट होंगी, इंपरेटिव। आप बोलोगे दीदी यानी कि क्या, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, प्लीज गिव मी दैट बॉटल, तो मैं क्या बोल रही हूँ, प्लीज, प्लीज यानी कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो जब भी रिक्वेस्ट वाले वर्ड्स आएंगे तो वो सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ओके देन मैं आपको बोल रही हूँ ऑर्डर दे रही,
शट द डोर, क्लोज योर माउथ, ठीक है, क्लोज द डोर, क्लोज योर माउथ, शट अप, अदरवाइज ब्रिंग मी दैट बॉटल, गिव मी दैट बॉटल. तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको ऑर्डर दे रही हूँ. क्या कर रही हूँ, आपको ऑर्डर दे रही हूँ. तो जो भी सेंटेंस ऐसा बताया जाएगा कि वो उसे किसी और को ऑर्डर दे रहा है, तो वो ऑर्डर देने वाला सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, हमारा इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा. कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है. उसके बाद बात करते हैं एडवाइस की. एडवाइस यानी कि प्लीज डू दिस दैट वे, प्लीज एंजॉय द लाइफ, ठीक है. तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको एडवाइस दे रही हूँ. अदरवाइज ऐसा प्लीज वर्ड मत लो, ऐसा बोल रही हूँ मैं आपको. व्हाट दैट सिलेबस इज इजी, जस्ट वर्क हार्ड. तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि सिलेबस इज इजी, पर आपको कैसे करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, राइट. मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ. तो एडवाइस देना यानी कि क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस. आप बोलोगे दीदी मेन तो बताओ इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि बस जिसके लास्ट में आ जाए क्वेश्चन मार्क, इतना इजी है. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्या, जिसके लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ये वाला गलत है, ये वाली स्लाइड, ये वाला आंसर नहीं है. ओके, ये वाला आंसर नहीं. तो जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होता है उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे दी हूँ. तो आपको एग्जाम्पल, रुको मैं आपको मस्त लिख के देती हूँ. आर यू फ्रॉम चाइना, क्वेश्चन मार्क. क्या तुम चाइना से हो, क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया. ये क्या हो गया, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस. आर यू, ठीक है, आर यू सेटिस्फाइड, क्या तुम सेटिस्फाइड हो, क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क आ गया यानी कि ये क्या हो गया, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया. वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, क्वेश्चन मार्क. जिसके भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, जिसके भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? अब देखो हमें पोयम में से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस निकालने हैं. चलो तो देन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस निकालते हैं. पहला इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे आ गया, ओ व्हाई लैमेंटेस्ट फॉल, ये आप लिख सकते हो, राइट. सेकेंड क्या आ गया, सेकेंड क्या आएगा, एंड कॉल्स आर बेस्ट अवे, कॉल्स आर बेस्ट अवे, ये आएगा, ठीक है. और होप अ हैवी स्वे, ये आएगा. और कुछ आएगा क्या, और कुछ आएगा क्या, या नहीं आएगा. ये तीन सेंटेंसेस है, ये तीन सेंटेंसेस आप यहाँ पे लिख दूंगी. ये तीन सेंटेंसेस, फर्स्ट सेकेंड, ये आप लिख दूंगी. चलो मैं आपको मीनिंग बताती हूँ, ठीक है. मैं आपको मीनिंग बताती हूँ, कौन से लिया, मैं बिना देखे आपको मीनिंग बताती हूँ, ओके. ओ व्हाई लैमेंट इट्स फॉल, यानी कि क्यों दुख दुख हम दुख से हम डर जाते हैं, क्यों हम हार के बैठ जाते हैं, ये इसका मीनिंग है. ओ व्हाई लैमेंट इट्स फॉल, यानी कि क्यों हम डर से दुख के बैठ जाते हैं, डर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, ये इसका मीनिंग है. सेकंड इज एंड कॉल्स आर बेस्ट अवे, पता नहीं कब डेथ, मौत मुंह के सामने आ जाए और किसको बुला ले, किसके अच्छाई को बुला ले, राइट. और होप अ हैवी स्वे, इसके तो मीनिंग आप लिखे हैं, आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, ये देखो. और होप अ हैवी स्वे यानी कि इट डज नॉट मैटर इफ यू आर ओवरकम बाय सॉरो एंड होप सीम्स टू बी फार अवे, कुछ नहीं होता अगर आप लोग दुख से भरे हुए हो, दुख से उभर चुके हो. यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कुछ बुरा हुआ, राइट, आपके घर में कुछ बुरा हुआ या आपके एरिया में कुछ बुरा हुआ, तो आपको बहुत दुख होता है, पर थोड़े दिनों के बाद आप उसकी आदत हो जाती है, आप उस दुख से उभरने को स्टार्ट हो जाते हो, राइट, आप ओवरकम हो जाते हो, आप उसके ओवरकम हो जाते हो. पर तभी भी आपको क्या लगता है, आप ओवरकम तो हो गए हो, पर जो होप है यानी कि जो नई आशा है, जो नई उम्मीद है, वो आपसे बहुत दूर है. तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट आप ओवरकम तो हो गए. यही बात बहुत बड़ी है. ये किसने बताया, इस लाइन में बताया, ओके. नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन बी, दैट इज एक्सप्लेन द मेटाफोर इन द फॉलोइंग लाइंस. अब इनके मेटाफोर एक्सप्लेन करने हैं. अब आप बोलोगे कि मेटाफोर क्या होता है, तो मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है. 26 फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसमें से एक है मेटाफोर और इट इज अ वेल नोन फिगर्स ऑफ स्पीच. पर देखो यार, ये मैं अभी नहीं समझाऊंगी, ये मैं आपको डीप में फिगर्स ऑफ स्पीच के लेक्चर में समझाऊंगी, ठीक है. मैं एक लेक्चर दूंगी टोटल फिगर्स ऑफ स्पीच पे, आई गेस वो दो पार्ट में होगा, ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच पे लूंगी. तो इस पे मैं आपको मस्त तरीके से समझा दूंगी, ठीक है. अभी आप ऊपर ऊपर से देख लेंगे कि मेटाफर क्या होता है, ठीक है. अब देखो, फर्स्ट लाइन हमें दी गई है,
दैट इज ऑफन द लिटिल मॉर्निंग रेन फॉल्टर्स अ प्रेजेंट डे। इसमें मेटाफर क्या है आपको बताना है। मेटाफर यानी कि क्या है, किसी चीज को किसी चीज के साथ कंपेयर करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको आपके भाई के साथ कंपेयर कर लूँ तो वो मेटाफर हो जाएगा, राइट। तो किसी चीज को किसी के साथ कंपेयर करना इज नोन एज मेटाफर। तो ये देखो ऑफन, ये फर्स्ट वाला, ऑफन द लिटिल मॉर्निंग डे फॉल्टर्स अ प्लीजेंट डे। अब यहाँ पे देखो आंसर, इफ यू हैव डिफिकल्टीज एट सम स्टेज देयर विल बी जॉयस टाइम्स फॉलोइंग इट। यानी कि क्या है, वही मैंने आपको बताया था कि अगर कभी दुख का टाइम है तो उसके बाद सुख का टाइम भी आएगा। अगर आपकी लाइफ अभी दुख से भरी पड़ी है तो ये हमेशा के लिए रहने वाली है क्या, नहीं, ये बाद में चेंज किसमें होगी, सुख में खुशियों में चेंज होगी। डिफिकल्टीज आर इम्प्लिसिटी कंपेयर्ड टू रेन एंड जॉयस टाइम्स आर कंपेयर्ड टू प्लीजेंट। मेटाफर यानी कि दीदी ने क्या बोला था, कंपेरिजन यानी कि कंपेयर करते हैं, राइट। मैंने आपको यही बताया था, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखो डिफिकल्टीज किसको कंपेयर किया है, रेन को कंपेयर किया, कंपेयर किया, और खुशियां किसको कंपेयर किया, प्लीजिंग डे को कंपेयर किया। ये तो मीनिंग आपको मैंने पहले ही समझाया था, राइट। तो यहाँ पे बस इतना बताया है कि दुख जो है, डिफिकल्टीज जो है, ये किसको कंपेयर किया है, रेन को कंपेयर किया, और जो खुशियां है वो किसको कंपेयर की गई है, प्लीजिंग डे को कंपेयर की गई, राइट। ओके, नाउ सेकेंड आंसर, समटाइम्स देर आर क्लाउड्स, ये वाला, सॉरी सॉरी, ये वाला, समटाइम्स देर आर क्लाउड्स, सेकेंड, Sometimes there are clouds. अब clouds यानी क्या, कभी कभी problems होते हैं, ठीक है, कभी कभी problems होते हैं। फिर problems को डरना चाहिए क्या, नहीं डरना चाहिए। और यहाँ पे जो ये clouds है, यहाँ पे जो ये clouds है, किससे compare हो रहे हैं, किससे compare हो रहे हैं, problems से compare हो रहे हैं, किससे compare हो रहे हैं, problems। ये देखो problems are implicitly compared to clouds, यानी कि problems जो है ये किससे compare किया जा रहा है, clouds से compare किया जा रहा है, ये यहाँ पे बताया। ओके, होप इट इज क्लियर। थर्ड आंसर, शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम। यानी कि क्या, शावर, शावर यानी कि थोड़ी सी बारिश, वो क्या करेगी, रोजेस को ब्लूम करेंगी, यानी कि जो मुरझाए हुए हैं उनको फिर से ताजा कर देंगी, ठीक है। ये लाइन्स का मीनिंग, सेंटेंस का इसका मीनिंग मैंने आपको बहुत डिटेल पे मैं पहले ही सिखाया है, इसलिए अभी बता नहीं रही हूँ, ठीक है। आंसर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। आंसर, द प्रॉब्लम्स यू फेस विल मेक फॉर बेटर टाइम्स अहेड। यानी कि अब भी जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो हमारी जिंदगी को आगे कैसे करेंगे, बेहतर बनेंगे। जैसे कि अगर अभी आपने हार्डवर्क किया 9th स्टैंडर्ड में, तो आपके 10th कैसी हो जाएगी, 10th कैसी हो जाएगी, इजी हो जाएगी। वैसे ही इफ यू आर फेसिंग सम टाइम सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स नाउ, ठीक है, तो आपको उससे एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको उसका नॉलेज मिलेगा कि यार इससे ऐसा होता है, उससे ऐसा होता है, और वो नॉलेज क्या होगा, आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। वही वो बात बता रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स आप अभी फेस कर रहे हो वो आपके फ्यूचर के लिए क्या कर रहा है, एक बेटर टाइम कंजर्व कर रहा है, एक बेटर टाइम प्रिजर्व कर रहा है, बना रहा है। प्रॉब्लम्स आर इम्प्लिसिटली कंपेयर्ड टू शावर्स। ये जो शावर है इसको किसके साथ कंपेयर किया गया है, प्रॉब्लम्स के साथ कंपेयर किया गया है। पर रोजेस ब्लूम जो है, रोजेस ब्लूम जो है, ठीक है, वो किसके साथ कंपेयर की गई है कि बेटर टाइम्स आने वाले हैं, अच्छे टाइम्स आने वाले हैं, जो मुरझाए हुए फ्लावर्स थे वो फिर से उगने वाले हैं, समझ गया। देखो प्रॉब्लम्स आर इम्प्लिसिटी कंपेयर्ड टू शावर्स ऑफ रेन एंड बेटर टाइम्स आर, यहाँ पे आर लिख दो, ईआर हो गया वो, आर इम्प्लिसिटी कंपेयर्ड टू रोजेस ब्लूमिंग, आर इम्प्लिसिटी कंपेयर्ड टू रोजेस ब्लूमिंग। यानी कि इस लाइन का मीनिंग क्या था कि प्रॉब्लम्स जो है वो हम अभी फेस कर रहे हैं पर बाद में जाके क्या होगा, बाद में जाके क्या होगा, वो हमारी बेटर के लिए ही होगा। यानी कि अभी जो भी चीजें हो रही है वो बाद में क्या होगी, अच्छा ही कराएंगे हमारा फ्यूचर में। यानी कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, राइट। वैसे उन्होंने क्या बोला कि इसमें जो मेटाफोर है, वो जो शावर है, वो किससे कंपेयर किया गया है, दुख से कंपेयर किया गया है, प्रॉब्लम से कंपेयर किया गया है, और रोज ब्लूम जो है वो किससे कंपेयर किया है कि बेटर टाइम्स जो है वो आने वाले हैं, बेटर थिंग्स जो है वो लाइफ में हमारे आने वाले हैं। ओके, समझ गया। ओके, फोर्थ, दैट इज लाइफ सनी आज फ्लिट बाय। यानी कि लाइफ के जो सनी आज होंगे वो उड़ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने आंसर में उसका मीनिंग समझाया है, द हैप्पी टाइम्स ऑफ आवर लाइफ गो बाय वेरी क्विकली। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आप फोन पे बैठते हो, आप रील्स देखते हो, गेम्स खेलते हो, तो क्या होता है कि वो टाइम फटाफट चले जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसे एंजॉय करते हो, राइट। पर अगर वही आप पढ़ने बैठो तो आपका टाइम फटाफट जाएगा नहीं। आप अभी बैठोगे 9 बजे, आप देखोगे कि यार अभी तक 9:05 हो, आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करोगे, आपको लगेगा यार अब 10 बज चुके होंगे, मैंने 1 घंटा पढ़ाई किया।
देखोगे तो कितना 9:15 आप बोलोगे भाई साहब ये टाइम क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, बिकॉज यू आर नॉट एंजॉयिंग इट। अगर आप पढ़ाई को भी एंजॉय करो तो आपका टाइम कैसे होगा, निकल जाएगा। जैसे आप इस क्लास में बैठते हो, इस क्लास में आपको मजा आती है, दोस्त रहते हैं, आपको मीनिंग समझता है, सो टाइम 1 घंटा फटाफट निकल जाता है। आप ट्यूशन में जाते हो, दोस्त रहते हैं, तो ट्यूशन का टाइम फटाफट निकल जाता है। बट आप जब सेल्फ स्टडी करते हो, अकेले में रहते हो, तो आपको बोर होता है राइट, तब वो टाइम निकलता नहीं है। तो वैसे ही इन्होंने बताया कि जो खुशियों के पल होते हैं, जो हैप्पी टाइम्स होते हैं, वो हमारी जिंदगी के बहुत जल्दी निकल जाते हैं, यानी कि उतना ही टाइम लगता है। यानी कि वो खुशियों के पल को निकलने को 24 आवर्स लगेंगे, तो दुखों के पल को निकलने को भी 24 आवर्स लगेंगे, पर ये जो खुशियों के पल है ना, ये हमें ऐसा लगेगा कि 2 घंटे में निकलेगा, और ये जो दुखी और दुख भरे पल है, ये ऐसा लगेगा कि 2 दिन हो गए पर ये निकल ही नहीं रहे हैं, ऐसा होगा। बस ये हमारे थिंकिंग पर है राइट। तो उन्होंने यही बोला है कि जो खुशियों के पल होंगे वो हमारी लाइफ के बहुत ही जल्दी निकल जाएंगे, और जो हैप्पी टाइम्स है वो किससे कंपेयर किया गया है, वो किससे कंपेयर किया गया है, सनी आर से कंपेयर किया है। जो खुशियों के पल है वो किससे कंपेयर किए गए हैं, सनी आर से कंपेयर किए गए हैं। क्लियर एवरीवन? ओके, हाँ सी सी, पिक आउट 4 एग्जांपल ऑफ पर्सनिफिकेशन। व्हाट इज पर्सनिफाइड इन ईच? अब पर्सनिफिकेशन यानी कि क्या, मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, डेथ, दैट इज पर्सनिफाइड, यानी कि किसी भी चीज जो इंसान से रिलेटेड है, ठीक है, जो हमसे रिलेटेड, उसको हम कहेंगे पर्सनिफिकेशन। उसको क्या कहेंगे हम, पर्सनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कितनी चीजें निकालने को बोली है, 1 2 3 4, हम 4 चीजें निकालेंगे। फर्स्ट इज डेथ स्टेप्स, ये वाला पता नहीं कब डेथ आ जाए, ठीक है, ये वाली लाइन है हमारी। तो ये जो डेथ है, डेथ कैसी है, हमारे ह्यूमंस को आती है राइट। सो ह्यूमंस पर्सन से रिलेटेड है, सो दैट इज पर्सनिफाइड। तो डेथ क्या है, हमारा पर्सनिफाइड है। ओके, डेथ स्टेप्स इन, ये पूरा हमारा पर्सनिफिकेशन है, पर पर्सनिफाइड कौन है, डेथ पर्सनिफाइड है राइट। नाउ सोरोस सीम्स टू विन, सोरोस जो है वो जीत जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम डर जाते हैं, हम हार जाते हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते नहीं है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो सोरो होता है वो जीत जाता है। तो सोरोस सीम्स टू विन, इसमें से पर्सनिफाइड कौन है, सोरो पर्सनिफाइड, हु इज पर्सनिफाइड, सोरो इज पर्सनिफाइड। सोरो यानी कि क्या, दुख, सोरो यानी कि क्या, दुख। Yet hope again elastic springs, unconquered though she fell, यानी कि क्या, जो हम जैसे हमको जो कॉन्कर करना था, हमको जो जीतना था, हम वो हार जाते हैं राइट। तो इसमें आप मेरे को बोलो पर्सनिफाइड कौन है, पर्सनिफाइड कौन है, होप है। आप बोलोगे दीदी क्यों, यहाँ पे तो फर्स्ट वर्ड है, यहाँ पे भी फर्स्ट वर्ड है, थर्ड में भी फर्स्ट वर्ड हम येट लेंगे, तो येट कैसे पर्सनिफाइड, होप कौन रखता है, इंसान रखता है। होप किसको मिलती है, इंसान को मिलती है, so hope is personified। समझ गया, समझ गया, अब बोलोगे हाँ दीदी समझ रहा है, समझ रहा है। Now fourth, can courage quell disappear, can courage quell disappear। अब इसका आंसर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, आप लोग बोलो इसका आंसर क्या होगा, can courage quell disappear, इसमें से personified कौन होगा, मुझे ये बताओ दीदी, इसका ना personified है courage, right, इसका personified मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ right। फोर्थ का, फोर्थ आंसर करेज इज पर्सनिफाइड। आप बोलोगे दीदी कैसे, दीदी कैसे, दीदी कैसे, तो देखो यार करेज जो है वो हम ह्यूमंस रखते हैं, करेज यानी कि हिम्मत, वो हम ह्यूमंस रखते हैं, वो हम पर्संस रखते हैं, सो करेज इज योर पर्सनिफाइड। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, सी वाला क्वेश्चन, इज क्वेश्चन सी क्लियर टू यू ऑल? शुड आई टेक क्वेश्चन डी नाउ? ओके, क्वेश्चन डी लेते हैं। And calls are best away is a gentle way of expressing the unpleasant idea of loved one dying। यानी कि क्या, ये जो and calls are best away, यानी कि जो हमें पसंद होता है, जो हमें प्यारा होता है, death उसी क्या करती है, लेके चल जाती है। तो एक idea please pray कर रहा है, ये express कर रहा है। It is an example of euphemism। Euphemism। Think and write down 3 or 4 in which we can express the idea of death in a tactful and gentle manner। यानी कि आपको भी ऐसे 3-4 lines लिखना है जिसमें आप डेथ का आइडिया बताओगे, पर एक जेंटल मैनर में, यानी कि कोई उससे डरना नहीं चाहिए, सबको ठीक लगना चाहिए, प्लीजेंट लगना चाहिए राइट। अनप्लीजेंट आइडिया को, बुरे आइडिया को अच्छा आइडिया में आपको कन्वर्ट करना है, कि बुरा आइडिया जो है उसको अच्छा आइडिया में कैसे बताना है वो आपको लिखना है। ओके चलो देखते हैं। द पर्सन हैज लेफ्ट हिज और हर फॉर हिज हेवनली अडॉप्ट। फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, एक मिनट मैं ना पहले पेन चेंज करती हूँ, पेन का कलर।
पर्सन हैज लेफ्ट फॉर हिज हेवनली एडॉप्ट, यानी कि क्या कि जो इंसान है वो उसके स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए निकल चुका है। यानी कि क्या इसका मीनिंग क्या है कि पर्सन की डेथ हो चुकी है, पर हमने बताया कैसे एकदम मस्त मीनिंग से बताया कि यार देखो डेथ हो चुकी है पर वो किस यात्रा पर निकल चुका है, स्वर्ग में जाने की यात्रा पर निकल चुका है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वन, आप कंप्लीट कर सकते हो आपकी बुक्स, अगर स्कूल में दिया नहीं गया होगा तो आप क्या कर सकते हो, सब कुछ नोट डाउन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, नोट डाउन। सेकेंड, ही और शी हैज गॉन टू मीट, ही और शी हैज गॉन टू मीट हिज और हर क्रिएटर, यानी कि क्या अगर किसी लड़की की डेथ हुई तो हर, किसी लड़के की डेथ हुई तो हिज। ठीक है, वो चला गया, क्यों चला गया, वो किससे मिलने को गया, जिसने उसे बनाया है उसे मिलने को चले गया। देखो ना कितने मस्त जेंटल तरीके से बताया, यानी कि ऐसा नहीं बोला कि वो मर गया, ऐसा बोला है कि वो उसके भगवान से मिलने को गया, उसके क्रिएटर से मिलने को गया, उसके मेकर से मिलने को गया। ओके, थर्ड, ही और शी हैज बिकेम द बिलव्ड ऑफ गॉड, यानी कि जो मर चुका वो भगवान को, कैसे हम बोलते हैं ना कि यार वो भगवान को प्यारे हो गए, वो भगवान को प्यारे हो गए, तो हम क्या बोलते हैं कि जो मर, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो मर गया, हम क्या बोलेंगे कि वो भगवान को प्यारा हो गया, वो भगवान को प्यारा हो गया, वो भगवान को नजदीक हो गया। राइट, ही हैज शी हैज कंप्लीटेड हिज और हर वर्क ऑन दिस अर्थ, यानी कि जिस कार्य के लिए, बोलते हैं ना कि यार भगवान लोग जो है वो पर्टिकुलर कार्य के लिए हमें भेजते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण अर्थ पे आए थे। ठीक है, श्री कृष्ण अर्थ पे आए थे तब उन्होंने क्या किया था, एक पर्टिकुलर कार्य के लिए वो अर्थ पे आए थे, लोगों को प्यार का मतलब समझाने के लिए अर्थ पे आए थे, हमारे अर्थ पे जो बुरी चीजें थी उन्हें खत्म करने के लिए आए थे। ठीक है, महाभारत जो है वो घड़ाने के लिए आए थे, और जैसे ही उनका काम खत्म हो गया उन्होंने अर्थ को क्या कह दिया, अलविदा कह दिया, अर्थ को कैसा कर दिया, छोड़ दिया। वैसे ही राम क्यों आए थे, श्री प्रभु, प्रभु श्री राम क्यों आए थे, क्योंकि उनका एक कार्य था। ठीक है, रामायण घड़ाना था, वो रामायण घड़ गया, कार्य खत्म, फिर उनका क्या हो गया, उनका जो ईजा है वो खत्म हो गया। राइट, वो अपने स्वर्ग लोक में वापस लौट गए। वैसे किसी भी इंसान अगर कोई चले जाए तो क्या बोलते हैं कि उसका जो धरती पे का काम था, जो उसको पर्टिकुलर गॉड ने असेट करके दिया था, लाइक अब जैसे कि मैं आपको बोल दूंगी कि आपका इतना इतना होमवर्क है, इतना इतना होमवर्क होने के बाद आपको क्या करना है, आप बुक्स रख सकते हो, वैसे ही भगवान ने हमें क्या कराया है, एक होमवर्क दे के अर्थ पे भेजा है। जब हमारा होमवर्क कंप्लीट हो जाएंगे हम क्या करेंगे, फिर से हम भगवान के पास चले जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ही और शी हैज कंप्लीटेड हिज और हर वर्क ऑन दिस अर्थ। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन, ये मैं आपको समझा देती हूँ, ये मैं आपको समझा देती हूँ, दैट इज रीड, रीड द प्लाज्म ऑफ लाइफ, अ पोयम बाय H.W. लॉन्ग फिलो, यानी कि ये एक पोयम है जिन्होंने किन्होंने लिखी है, H.W. लॉन्ग फिलो, ये आपको क्या करनी है, रीड करनी है। देखो यार ये बच्चा कितना शांति से रीड कर रहा है, वैसे ही आपको क्या करनी है, रीड करनी है। तो चलो ये पोयम मैं आपको यहाँ पे लेके आई हूँ, नहीं, ये पोयम देखो, सॉरी पोयम नहीं है, वो ऐसे है क्या, ये जो प्रोजेक्ट आपको दिया गया था ना वो वाला, ओके ये पोयम आपको क्या करनी है, तो फोर्थ क्वेश्चन है, ओ सॉरी यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन का डी एंड हुआ ना, सॉरी सॉरी। तो ये जो है देखो मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये आपको क्या करनी है, नेट पे जाके सर्च करनी है और पढ़नी है, दिस इज वॉट योर होमवर्क, दिस इज वॉट योर होमवर्क। और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, डैश 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 एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज दैट करेज एंड होप कैन हेल्प मी ओवरकम माई मेजर मिसअप प्रॉब्लम इन लाइफ, राइट एन एपिसोड एक्सपीरियंसिंग फ्रॉम योर ओन लाइफ दैट लीड्स द अबाउट कंक्लूजन, यानी कि आपको क्या करना है, एक स्टोरी लिखनी है और स्टोरी के एंड में आपको यही लाइन लिखनी है, स्टोरी के एंड में आपको यही लाइन लिखनी है कि दैट डैश एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज, मतलब आपको पूरी एक स्टोरी लिखनी है और फिर आपको बोलना है कि ऐसा मैं समझा कि करेज, हिम्मत और होप, हिम्मत और होप, होप यानी कि क्या बोलते हैं ना हिंदी में, क्या बोलते हैं यार होप को, आशा, ये क्या कर सकती है, हमें कोई भी प्रॉब्लम से ओवरकम करने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, इस पे आपको क्या लिखनी है, एक कविता, एक ऐसे टाइप लिखना है, एक स्टोरी टाइप लिखना है। तो चलो मैंने आपको लिख के लाया, आई एम अ लवर ऑफ स्पोर्ट्स, माई फेवरेट गेम इज फुटबॉल, आई वॉन्टेड टू प्ले इन माई स्कूल टीम एंड राइट From the age of 11, I had been practicing very sincere. यानी कि क्या, मैं एक स्पोर्ट्स लवर हूँ, मुझे स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है, उसका फेवरेट गेम क्या था, फुटबॉल था, उसे पहले से क्या करना था, स्कूल टीम में खेलना था, और जब से वो 11 साल का बच्चा था, जब से वो 11 साल का बच्चा था तब से उसने क्या कर दिया, प्रैक्टिस करना, सिंसियरली प्रैक्टिस करना, मेहनत करना, फुटबॉल के गेम में स्टार्ट कर दिया। ओके, पर फिर देखो
The one and then one unfortunate day when I was 12, I fell down the stairs of my building and fractured my leg badly. ठीक है, पर एक दिन क्या हो गया, एक बहुत ही बुरा दिन, अनफॉर्चुनेट यानी कि बुरा, ठीक है, एक बुरा दिन तब मैं 12 साल का था, तब क्या हो गया, मैं स्टेयर्स पर से गिर गया, यानी कि क्या, स्टेयर्स यानी क्या, सीढ़ियां, बिल्डिंग के सीढ़ियों पे से वो गिर गया। तो बिल्डिंग के सीढ़ियों पे से वो इतने जोर से गिरा कि उसका जो पैर है वो कैसा हो गया, फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हो गया तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गया, डिवोर्सेड, यानी कि टूट जाते हैं बोलते हैं ना, छन से जो टूटे कोई सपना, ठीक है, तो वो क्या हो गया, टूट गया। हाउ कुड आई प्ले माई फेवरेट गेम, हाउ कुड आई मेक इट टू द टीम, वुड माई लेग एवर बिकम कम्प्लीटली ऑल राइट अगेन, ठीक है। फिर उसको बहुत सारे क्वेश्चन आने को लग गए दिमाग में, क्या होगा, मैं फिर से अपना फेवरेट गेम खेल पाऊंगा क्या, मैं अपने स्कूल टीम में जीत जा पाऊंगा क्या, मतलब स्कूल टीम का हिस्सा बन पाऊंगा क्या, क्या मेरा पैर जो है वो फिर से पूरा ठीक होगा क्या, ठीक है, वुड आई बी एबल टू रन अराउंड द किक एंड किक द बॉल एज आई बिफोर, यानी कि पहले जितने ताकत से मैं भाग पाता था, जितने ताकत से मैं बॉल को किक मार पाता था, कि अब मैं मार पाऊंगा। I felt that my world has ended. फिर उसे ऐसा फील हुआ कि उसका जो दुनिया है, उसका जो जग है, ठीक है, तो उसका जो दुनिया है वो कैसी हो गई है, बिखर चुकी है, उसकी दुनिया खत्म हो चुकी है। ये किसे लगा, उस लड़के को लगा। This was a time when my family gave me their full support. पर इस टाइम पे उसके फैमिली ने क्या किया, उसे पूरा सपोर्ट दिया। जितनी प्यार की जरूरत थी, जितनी सपोर्ट की जरूरत थी, उसे किसने दिया, उसके फैमिली ने दिया। Grandparents helped me to wipe away the long hours. My parents made nutritious food for me and saw to the medical treatment. यानी कि उसके grandparents ने क्या किया कि जितना भी time वो spend कर रहा है, वो bore ना हो, उसमें वो कुछ मजेदार करे, कुछ creative करे, ये जिम्मेदारी की जिसने ली, उसके grandparents ने ली। और उसके parents ने क्या जिम्मेदारी ली, उसके खान पान की, एकदम nutritious food की, जिससे वो जल्दी जल्दी अच्छा हो जाए, उस खान पान की और जो medical treatment है उसकी। My sister, who is 4 years old, then me, gave me sound advice and courage. उसकी जो बड़ी बहन है, जो उससे 4 साल बड़ी है, उसने क्या किया, उसको हर बार आते जाते एक एक दो दो घंटे में जब भी ये हिम्मत हारता था, उसे क्या दी, एक एडवाइस दी। She understood what I was going through. ठीक है, उसको समझ गया कि यार, उसके बहन को समझ गया कि यार, उसका भाई जो है वो कौन से टाइम से, कौन से पीरियड से गुजर रहा है। She told me various people who have suffered terrible diseases and had risen above them. तो उसकी बहन ने क्या एग्जाम्पल्स दिए, ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स दिए जो कि बहुत बुरी से बुरी बीमारियों से गुजर चुके हैं, पर उनसे उठकर वो क्या हुए हैं, आगे बढ़े। She brought me videos of umpteen cases where the mind had won over the body. यानी कि उसने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बताए कि जहाँ पे जो दिमाग है वो बॉडी से जीत चुका है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ हुआ है, ठीक है, आपको कुछ हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। अगर आपने ये आपके दिमाग में बात पकड़ ली कि वो कभी अच्छा नहीं होगा, तो अगर वो बीमारी अच्छी भी होने वाली होगी तो वो कभी अच्छी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका माइंड जो है वो यूनिवर्स को वैसे साइंस दे रहा है। क्या कर रहा है? यूनिवर्स को वैसे साइंस दे रहा है। पर अगर आपने आपके दिमाग में ये बात ला ली कि नहीं यार, ये तो अच्छा होने ही वाला है, कुछ भी हो जाए ये चीज तो अच्छी होगी ही होगी, तो वो क्या होगी, आपकी अच्छी हो जाएगी। सो वैसे ही अगर हमने माइंड में ठहरा लिया तो हम बॉडी से जीत सकते हैं। She made me read biographies of achievers like Vilma Rudolph and Sudha Charan. ठीक है, उसने उसके बहन ने क्या किया, अलग अलग लोगों की जो ऐसे कंडीशन से गुजर चुके हैं उनके क्या किया, बायोग्राफीज रीड करने को कहा। She made me do exercises regularly and keep in touch with my sports. उसके बहन ने क्या बोला कि हमेशा क्या करते रहे, तू एक्सरसाइज करते रहे और जो तेरा फेवरेट स्पोर्ट्स है उसे थोड़ा थोड़ा खेलते रहे। Slowly but slowly, I regained courage and confidence. ये सारी चीजें देखते देखते पढ़ते पढ़ते उसके अंदर क्या आ गया, फिर से एक नई हिम्मत आ गई, फिर से एक नया कॉन्फिडेंस आ गया। Believe it or not, 2 years later, I made it to my football team. आप यकीन करो और ना करो, पर उसने 2 साल के बाद क्या किया, उसके फुटबॉल टीम में एंटर हो गया। My doctor and family said that it was optimism and a positive attitude that helped me recover completely. Doctors ne family walon ne kya bola ki tune positive attitude rakha isliye teri bimari jo hai kya wo hai wo achhi ho chuki, and that's how I realized that courage and hope can help me or anybody, sirf mujhe hi nahi sabko, overcome any major mishap yani ki kya problem in life. theek hai, to ye story thi, ye dekho question mein diya gaya tha hame डैश 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 एंड दैट्स हाउ, और यहाँ से लेके एंड दैट्स हाउ से लेके देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से
दैट्स हाउ से लेके आपको लाइफ तक लिखना था, और उसके पहले स्टोरी लिखनी थी। तो मैंने आपको एक स्टोरी लाई कि लड़के की जो कौन था, स्पोर्ट्स लवर था, उसका फेवरेट स्पोर्ट्स फुटबॉल था। वो 11 साल का था तब से वो प्रैक्टिस करता था, उसे स्कूल फुटबॉल टीम में एंटर होना था, पर एक दिन क्या हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो स्टेयर्स पे से गिर गया और क्या हो गया, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। फिर उसकी पूरी होप जो है वो नीचे चली गई, उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची, उसे ऐसा लगा कि अब वो फिर से उसका फेवरेट गेम खेल नहीं सकता। पर उसके फैमिली ने क्या किया, उसे पूरा सपोर्ट दे दिया। उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने जो उसका बोर टाइम था वो निकालने की कोशिश की, उसके मम्मी पापा ने खाने पीने पर और ट्रीटमेंट पर ध्यान दिया, और उसकी जो बहन थी जो उससे 4 साल बड़ी थी, उसके बहन को उसकी कंडीशन समझी और उसके बहन ने क्या किया, उसको हिम्मत दी, करेज दिया, कॉन्फिडेंस दिया। उसकी बहन ने उसे ये बातें बताई कि ऐसे बहुत लोग जो है वो इनसे भी ज्यादा डेंजर बीमारियों से गुजरे हैं और उठ के आगे बढ़े हैं, तो तू भी आगे बढ़ सकता है। उसके बहन ने उसे ऐसे बहुत सारे वीडियोस बताए, बहुत सारी बायोग्राफीज रीड करने को दी, जिससे क्या हो गया कि ये जो लड़का था उसके मन में एक कॉन्फिडेंस आ गया, एक हिम्मत आ गई कि यार ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। उसके भाई के उस वो जो लड़का है उसके दिमाग में आ गया कि यार मैं भी कर सकता हूँ। तो जब आपके दिमाग में एक पॉजिटिव बात आ जाए तो वो आपकी बॉडी फॉलो करती है, वो पूरा यूनिवर्स फॉलो करता है, ये बात इसमें से हमें समझी। ठीक है, फिर 2 साल के बाद क्या हो गया, वो ओवरकम हो गया और उसने क्या किया, अपने फुटबॉल टीम में एंट्री पा ली। और डॉक्टर्स ने और उसके फैमिली मेंबर्स ने क्या बोला कि तू पॉजिटिव था, तेरा दिमाग में पॉजिटिव चीजें थी, इसीलिए क्या हो गया कि तू इस चीज से रिकवर हो चुका। और फिर उसने बोला एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज्ड दैट हिम्मत और उम्मीद ये क्या कर सकती है, किसी भी इंसान को एक ओवरकम कर सकती है कोई भी प्रॉब्लम से। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम से ऊपर उठा सकती है, उभार सकती है। So, देखो लास्ट का क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, दैट इज दिस 5th क्वेश्चन। आपको बस पोयम जाके रीड करनी है इंटरनेट पे से, इतना आप लोग कर लेना। ठीक है, पूरी पोयम और उसकी एक्सरसाइज आज मैंने 1 घंटे के एक ही लेक्चर में वन शॉट वीडियो में आपको खत्म करके दी है। पूरा मीनिंग अच्छे से पोयम का समझाया, एक्सरसाइज आपको अच्छे से कराई। आई होप कि आपको सब समझा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो यार लाइक कर देना। ठीक है, 10 के ऊपर लाइक्स चाहिए, 15 के ऊपर लाइक्स चाहिए, ये बात याद रखना। अपने 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, क्योंकि 9th और 10th की इंग्लिश के और SST के क्लासेस में लेती हूँ, राइट? तो शेयर कर दो। एंड चैनल पे नए होंगे तो यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि यार देखो चैनल पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए बहुत मेहनत ली जा रही है, तो आप भी एक सब्सक्राइब का बटन हिट करके हमको मोटिवेशन दिला सकते हो, जिससे हम आपके लिए और बेहतर चीजें लेके आए। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू।